नमस्कार जी, आज हम एक नए आसन के साथ यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं। आसन का नाम तो ताड़ासन और त्रियक ताड़ासन, ये दोनों आज हम करने सीखेंगे। और पहले हम आसन ही देख लेते हैं कैसे कैसे करना है। सब लोग तैयार हैं? चलो करके देखते हैं। पहले दोनों पंजों के आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ताड़ासन। तो दोनों पंजों के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप, ठीक है, हल्का सा स्लाइटली गैप, ठीक है। कंधे आपके ऊपर को तने हुए, कमर सीधी, हाथ ऊपर, ठीक है, हाथ ऐसे करके ऊपर, श्वास लेके हाथ ऊपर, और आपके सारा शरीर का वजन आपके पंजों पर। थोड़ा सा रुके, हाथ नीचे, श्वास लेके हाथ ऊपर, श्वास लेके हाथ ऊपर, और आपकी दृष्टि सामने की जगह थोड़ी स्लाइटली ऊपर किसी बिंदु पर। श्वास छोड़ के हाथ नीचे, श्वास लेके हाथ ऊपर, श्वास छोड़ के हाथ नीचे। इसी में ही एक दूसरा आता है त्रियक ताड़ासन, ठीक है। त्रियक ताड़ासन, पैर को 20 सेंटीमीटर तक खोल दो हल्का सा, ठीक है। कमर सीधी, कमर सीधी रहे, और हाथ को साइड बाय साइड करो, जितना झुक सको उतना। कमर सीधी रहे, कमर सीधी, हाथ सीधे और कमर आपकी सीधी। वैसे करो ताड़ासन में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाथ एकदम सीधे रहे, हाथ एकदम सीधे, ठीक है। और आप श्वास लेके ऊपर, श्वास छोड़ के हाथ नीचे, श्वास लेके ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, वेरी गुड। श्वास लेके ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, बस ध्यान इतना हो हाथ सीधे हो और आपके श्वास लेके ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, कम से कम 10 बार पुनरावृत्ति, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया सर, सारा शरीर का वजन आपके पंजों पर आ जाए, जब नीचे आए तो पूरे पैर पे, जब ऊपर जाए तो पंजों पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट त्रियक ताड़ासन करो, अभी जैसे बताया था त्रियक ताड़ासन, वेरी गुड। साइड बाय साइड आपके हाथ, हाँ कोनी ना मुड़े, कोनी सीधी दोनों साइड से, वेरी गुड वेरी गुड, कोनी ना मुड़े बस। देखो अभी हमने सभी लोगों ने मिलके ताड़ासन किया, सबने देखा भी था ये, जैसे इसका नाम ही ताड़ासन, यानी कि ताड़, जैसे ताड़ का वृक्ष होता है ना लंबा, एकदम लंबा लंबा, ऐसे ही हमें भी बनना है इसमें, यानी कि ताड़ के वृक्ष की तरह लंबा 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 लंबा, ऐसे करके हाथों को, हाथ ऊपर श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए, हाथ नीचे श्वास लेते हुए हाथ ऊपर श्वास छोड़ते नीचे, और पंजों के ऊपर अपने शरीर का सारा वजन जब हम ऊपर जाएं ले जाना है, और जब नीचे आएँ तो हमें पूरे पैर पर स्थिर खड़े रहना है, ठीक है। कोई अब देखो कुछ लोग थे हाथों को ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी आसन या प्राणायाम करें तो पूरे मन से समर्पण भाव होना चाहिए किसी भी आसन प्राणायाम को करने के लिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि योग करने के लिए भी और किसी भी अभ्यास को करने के लिए भी, व्यायाम करने के लिए पूरा समर्पण भाव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सुबह को किसी ने जगा दिया और उसके बाद बड़े बेढंगे मन से यहाँ पर आ गए और कर रहे हैं, किसी का मन नहीं है और उल्टे सीधे ढंग से कर रहे हैं और घर पर जाके चले गए, फिर बोलते हैं कि अभ्यास से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, योग से क्या होता है कुछ। ऐसा नहीं करना, हमें पूर्ण समर्पण एक भाव, आप उसकी अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो हम डिस्कस करते कि समर्पण भाव क्या होता है और पूर्ण निष्ठा क्या होती है। इसीलिए हमें योग को पूर्ण निष्ठा और पूर्ण समर्पण के साथ करना है। पहले अब जैसे मैंने बोला ताड़ासन, तो पहले समझो कि ताड़ासन है क्या, हम क्यों कर रहे हैं, इससे हम क्या डिजीज अपनी ठीक कर सकते हैं, क्या कारण है जो ये ताड़ासन आया, किस वजह से आया, क्यों बना होगा, ऐसे सब विचार करके, और इससे मैं अपने शरीर को कैसे कहाँ तक ठीक कर सकता हूँ, इन सब चीज़ों का विचार करके जब करोगे तो देखना अंतर्मन में कैसी आवाज़ आएगी आपके करने के लिए, और आप खुद से ही सुबह को बिना अलार्म, बिना किसी के आवाज़ के आराम से उठ के और सीधा करने के लिए आप आ जाओ, ठीक है। अपने जीवन को सुख में रखने के लिए हमेशा योगासन और अपने व्यायाम सुचारू रूप से पूर्ण मन से पूर्ण निष्ठा से कर सकते।